हम आज आए हैं बांसघाट के शवदाह गृह में। बताइए कि हाँ, पानी का स्तर कल तक कितना था यहाँ पर? परसों जो है पानी शनिवार को दिन बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है और इतना पानी था कि अभी जो 75 में जिस तरह से बाढ़ आया था उस टाइप का पानी हो गया। 1999 में पानी था लेकिन इतना नहीं था, लेकिन इन साल जो है 75 का रिकॉर्ड के लगभग पानी आया है। अगर फड़का बांध नहीं अगर खोलता तो पटना की स्थिति बड़ा भयानक हो जाता। हम लोग इस जगह को 5 फीट बढ़ाए, उस गड़ी से ऊंचा किए हैं भड़वा उड़वा के, तब नहीं तो पानी और गेट को छू जाता और रिसना शुरू हो जाता पटना में नीचे मंदिर की ओर। इस वक्त हम लोग जहाँ बैठे हैं, क्या कल तक ये जगह सुरक्षित थी? नहीं, शनिवार को दिन यहाँ कल तक यहाँ पानी था, जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पानी में बैठे हुए थे हम लोग। चिताएं जलाने में क्या परेशानी हो रही थी, क्या बाधाएं आ रही? पानी अंदर अंदर पानी घुस जा रहा था, उसको लाश जुराया हुआ है और जैसे आग लग गया अब पानी बढ़ते जा रहा, भीतर घुसते जा रहा है, थोड़ा सा जला था फिर उसको हटा हटा के अब बैक किया गया, पीछे इधर की ओर खींचा तब जाके लाइट डाला और घंटे घंटे में पानी बढ़ रहा था एकदम। फिलहाल समझिए कि यहाँ से 30 फीट वहाँ पानी था, वहाँ से चलाया यहाँ तक बढ़ते है। और वही बहना के आप देखिए तो फड़का खोला है तो कुछ जान बच रहा है पब्लिक का। अब आगे आज सुने कि फिर खोल दिएगा, क्या स्थिति आता है तो अब आने वाला समय बताएगा, देखेंगे परिस्थिति हम लोग। तो पानी के बढ़ते स्तर के साथ लोगों की परेशानी भी स्थित नहीं रह रही है, कभी पानी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, और दिन में हर दिन लोगों के काम में तो बाधाएं आ ही रही है, बल्कि यहाँ पर चिता जलाने में भी बहुत सारी बाधाएं आ रही है पानी के बढ़ते स्तर के कारण। कल तक यहाँ पे पानी का स्तर जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ तक पहुँच गया था और कल रात से पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और कोई भरोसा नहीं है कि कल फिर पानी यहाँ तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बढ़ते पानी के स्तर के साथ लोगों की परेशानी भी बढ़ते जा रही है और लोगों को परेशानी बस ना केवल सिर्फ पानी से है बल्कि लहरों संगाए सांप बिच्छुओं से भी लोग भयभीत हो रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसने अजगर सांप का बच्चा पकड़ा है आज शाम में ही। हेलो, लकड़ी में था, निकला हुआ तो सब भीड़ लगाया था, भाग रहा था तो धर लिए। तो यहाँ पर और कितने सांप निकल चुके हैं अब तक? एक से एक सांप है। कितने सांपों को अब तक पकड़ चुका है आपने? अभी तो यही है वो सांप पकड़े हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष कुमार को सांपों से भय नहीं है और ये एक तरह से लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं ऐसे सांपों को पकड़ पकड़ के। धन्यवाद। For news and videos from Bihar, visit www.magnificentbihar.com. Like and subscribe our channel Magnificent Bihar on YouTube, Facebook and Twitter. Keep watching.